नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर मैंने तीन नंबर रखे हैं, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये पाइल नंबर 3। आपको चुनना है इसमें से एक नंबर और फिर आपको अपनी रीडिंग के ऊपर जाकर अपनी रीडिंग को देखना है। अपने पूरे इंट्यूशन के साथ आपको इसमें से एक नंबर चुनना है और आपको अपनी रीडिंग के ऊपर जाना है, ठीक है। तब तक मैं पाइल बना लेती हूँ, आप तब तक इसमें से एक नंबर चुन लीजिएगा। तीन पाइल बना लेती हूँ मैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? नंबर 1 जिन्हें भी चुना है उनके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं? ये नंबर 1 जिन्होंने भी नंबर 1 चुना है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है गाइस। नंबर 1 रेडी हो, ओके। अब नंबर 2 जिसने भी चुना है नंबर 2, देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, ओके। नंबर 2, अब नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? नंबर 3, जिन्होंने भी चुना है रिवर्स प्लीज बताइएगा उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ये हो गया नंबर 3, जिन्होंने भी चुना है नंबर 3। अब देख लो कौन सा नंबर चुना है आपने, उस नंबर पर जाके आपको अपनी रीडिंग को देखना है। इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? स्टार्ट करते हैं नंबर 1, जिन्होंने भी चुना है नंबर 1, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं? नंबर 1, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर गाइस। मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों के साथ कोई बातें या तो आपके बारे में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पार्टनर ऐसे हो सकते कि बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी बात है जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा बेचैन भी कर रही है और आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते पर फोकस भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि आपने भी एफर्ट डालने चाहिए, जितना वो इंसान एफर्ट डालता है आपने भी एफर्ट डालने चाहिए। इस वक्त आपके पर्सन को शादी का ख्याल बहुत आ रहा है, आपके पर्सन को कोई शादी के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी है, देखो गाइस, आपके पर्सन अभी भी आपसे कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात है जो आपके पर्सन अभी भी आपसे छुपा रहे हैं, कोई ऐसी बात है जो इस इंसान ने आपसे झूठ बोला है और मे बी उसके बारे में आपके पर्सन बहुत गहराई से सोच रहे हैं। और राशि यहाँ पर है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एरीज लियो सजिटेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि यहाँ पर आई है। आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन एक ऐसी सोच में है कि या तो वो बहुत ज़्यादा बिजनेस और करियर के बारे में सोच रहे, क्योंकि उनको आपसे शादी करनी है, वो चाहते कि वो कुछ फाइनेंस में करे, वो चाहते कि कुछ ग्रो करे और तभी वो आपसे शादी कर पाएंगे। और आपके पार्टनर बहुत गहराई से भी सोच रहे हैं क्योंकि उनको आपसे शादी करनी है, लेकिन कुछ झूठ बोला है इस इंसान ने आपसे। हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैसों को लेकर झूठ बोला है आपसे, मे बी हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको अपने आप को बहुत रिच दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ छुपाया गया है आपसे, कुछ झूठ बोला गया है आपसे। और इस वक्त आपके पार्टनर चाहते इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, आपके पर्सन चाहते रिश्ता शादी तक जाए। आपके दोनों के बीच में कोई तीसरा भी हो सकता है।
अब ये इनके माताजी हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है किसी किसी के लिए, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है। ये इंसान ना कि सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है तो किसी दूसरे के बारे में भी सोच रहा है। वो करियर हो सकता है, वो परिवार हो सकता है, वो इनकी मदर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाराज है किसी बात को लेकर इंसान। कोई बात इस इंसान को बहुत बेचैन कर जाती है, कोई ऐसी बात है जो इस इंसान को डर लगता है आपको खोने का। और यहाँ पर है आपके पर्सन, देखो इस रिश्ते में एक बहुत ही खूबसूरत न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है पास्ट में, वो समय बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। इस इंसान को आपसे मिलना है, इस इंसान को आपके साथ वक्त बिताना है, इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन इस इंसान ने आपसे जो बातें छुपाई हैं, जो झूठ बोला है, उसके लिए इस इंसान को थोड़ा डर भी लगता है कि अगर वो आपके पास आएगा तो पता नहीं अब आप मतलब इस इंसान को डांटोगे, क्या करोगे आप। ये एक डर भी इस इंसान के मन में दिखाई दे रहा है मुझे। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं वो आपको। ऐसे नहीं कि कोई फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा, नहीं, वो इंसान आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को प्यार देती है, जैसे केयर करती है, वैसा वाला प्यार वो आपको देना चाहते हैं, वैसा वाला एक केयर वो आपकी करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे कहीं भी फिजिकल अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इस इंसान के मन में डर है आपको खोने का, और इस इंसान को आपको भर भर के प्यार देना है। ये इंसान चाहता है कि वो आपसे प्यार करे, ये इंसान चाहता है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। और इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी यही है कि वो किसी बात को लेकर नाराज़ भी है, या अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसी बातें घटित हुई है जिसके बाद इस इंसान को डर लगता है आपको खोने का, ये इंसान आपको हरगिज़ खोना नहीं चाहता है, इसके दिल में आपके लिए प्यार है। सपने शादी के देखता है ये इंसान, उसको पता है कि आप शादी के लायक हो, और ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाहता है, मिलना चाहता है, इसके दिल में इस वक्त आपके लिए बहुत प्यार भी जाग रहा है, वो मिलना चाहता है, केयर करना चाहता है आपकी, आपकी चिंता हो रही है इस इंसान को, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पर्सन। किसी और की वजह से अगर ये रिश्ता खराब हुआ है तो आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि किसी और की वजह से उन्होंने शायद आपको ब्लेम किया हो। ऐसा अगर है तो ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ रही है कि किसी और की वजह से हमेशा उसने आपको गलत समझा है। अगर ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के रिश्ते में तो ये बात इस इंसान को रियलाइज़ हो रही है कि इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी और की वजह से इसने हमेशा आपको गलत समझा, या हो सकता है किसी किसी के लिए आपको झूठा साबित करने की कोशिश की इस इंसान ने, या खुद ही इंसान झूठ बोल रहा था, कुछ ऐसी बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और आपके पर्सन चाहते हैं अब एक न्यू बिगनिंग, आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, वो चाहते कि आप हमेशा हमेशा के लिए उनके हो जाए, वो चाहते आपसे शादी करना। ये थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब जिन्होंने चुना है पाइल नंबर टू, देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर टू चुना है क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। ये है नंबर टू। आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, ठीक है, आपके दिल में इसके लिए बहुत प्यार है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी और की वजह से बहुत झगड़े हुए हैं। बहुत फायरी हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ईगो है इस इंसान के अंदर, बहुत घमंड है, हमेशा दूसरों की बातों में आकर हो सकता है झगड़े किया आपके साथ। अगर ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, अगर झगड़े हुए हैं तो आपके पार्टनर को झगड़े बहुत याद आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान को बहुत ईगो में दिखाई दे रहे हो, आप घमंड में दिखाई दे रहे हो, या खुद ही इंसान बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकता है। ये इंसान अपने आप को स्टक फील कर रहा है गाइस, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन ये इंसान अपने आप को स्टक फील कर रहा है। कोई बात ऐसी है जो इस इंसान को रोक रही है, चाहे वो इस इंसान का खुद का घमंड हो, चाहे इस इंसान का खुद का ईगो हो, कोई बात इस इंसान को आपके पास आने से रोक रही है। ये आपका पार्टनर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इंसान इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसको इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना है,
इस इंसान को आपके प्यार को जीतना है, आपके विश्वास को जीतना है। इस इंसान को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे कि आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना मतलब किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना जैसा है। हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो और आपके चाहने वाले एक से ज़्यादा हैं। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको अटेंशन बहुत मिलता है, आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा है। मे बी आप इतने खूबसूरत हो सकते हो कि आपके लिए रिश्ते बहुत आते हो। इस इंसान को कोई डर है मतलब आप इतने खूबसूरत और आप में इतनी काबिलियत है कि इस इंसान को लगता है कौन इनकार करेगा आपको शादी के लिए। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर कि इस इंसान को एक कॉम्पिटिशन जैसा हाल हुआ है। इस इंसान उसको लगता है वो कभी भी आपको खो सकता है, वो कभी भी आपको खो देगा, ये डर भी इस इंसान के मन में है। और ये इंसान आपको पाने की कोशिश ज़रूर करेगा, बहुत फायरी है आपका पार्टनर, अट्रैक्शन भी बहुत होता है इसको आपके लिए। ये आपको पाने की कोशिश ज़रूर करेगा आने वाले समय में। और आज इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी दिखाई दे रही कि उसको लगता है कि क्या करे, कैसे आगे बढ़े। इसका खुद का ईगो बीच में आता है, इसका घमंड बीच में आता है, तो इसको आपकी तरफ बढ़ना भी है और ये सोचता है क्या करे, स्टक सा फील कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं अपनी जो फीलिंग्स है उसको दबाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। देखो गाइस, आपका पार्टनर आपको देखे जा रहा है, आपको ऑब्जर्व किए जा रहा है, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, वो आपको जीतना चाहता है, आपको पाना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी इस वक्त का मन भी बहुत करता है कि वो आपसे बात भी करे, लेकिन फिर भी वो अपनी बातों को दबा रहा है, अपनी चाहत को दबा रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है आपसे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है। ये इंसान जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहा है, इस इंसान का फोकस नहीं है अपने काम के ऊपर, क्योंकि इसका पूरा फोकस आपके ऊपर है, ये आपको देखता रहता है पूरा फोकस। देखो मैंने बोला ना, घमंडी है आपका पार्टनर। देखो एम्परर की एनर्जी आई है, बहुत घमंड है इसके अंदर। और बहुत लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान का घमंड ही इस रिश्ते में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। इस इंसान का घमंड टूटता ही नहीं है, ये इंसान इतना ज़्यादा अड़ियल है। मतलब कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश की इस इंसान को समझाने की, लेकिन इसका घमंड बीच में आ जाता है। और जो इसके अंदर इतना घमंड है, इस इंसान का घमंड ही इसको ले डूबेगा किसी दिन, इस इंसान का घमंड ही इसको बर्बाद कर सकता है। ऐसी वाली एनर्जी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घमंड मुझे दिखाई दे रहा है। और आपने समझाने की कोशिश की थी इस इंसान को, लेकिन इसने आपकी कोई बात नहीं मानी, ये मानेगा भी नहीं। तो मुझे तो लगता है कि आप इस इंसान को समझाना छोड़ दो, अब ये बात इस इंसान के ऊपर खुद छोड़, इसको एहसास तो होने दो आपका होना क्या है, आपका ना होना क्या है, आपसे बात करना क्या है, आपसे बात ना करना क्या है। इस इंसान को एहसास तो होने दो कि आपका होना कितना ज़रूरी है इसके जीवन में। तो अगर आप कोशिश कर रहे हो, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो इस इंसान को समझाने की, तो ये इंसान आपकी बात नहीं मानेगा, ये इंसान आपकी बात नहीं सुनेगा। ये जो भी करता है अपने मन की करता है, ये खुद को बहुत ग्रेट समझता है, खुद को बहुत टैलेंटेड समझता है, इसको लगता है उसको जैसा कोई नहीं है, इसको लगता है ये नंबर वन है, इसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है इस इंसान ने कभी आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश की है, हो सकता है इसको लगता है हमेशा ये खुद ही ग्रेट है, ये खुद ही सही है, आप गलत हो। और ये जो थॉट्स इसके मन में बार बार आते हैं, ये बहुत बड़ी वजह है आप दोनों के दूर होने की एक दूसरे से। अभी भी इसमें घमंड दिखाई दे रहा है। नंबर 4 स्ट्रांग हो सकता है, नंबर 4 यहाँ पर आए हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं, ये इंसान स्थिर नहीं है, इसके दिमाग में 1000 थॉट्स घूमते हैं। और खुद को ग्रेट समझने के चक्कर में, खुद को आपसे ऊपर दिखाने के चक्कर में इंसान कुछ गलतियाँ कर बैठा है, लेकिन आपकी चाहत इसको बेचैन भी करती है, आपका प्यार इसको बेचैन भी करता है। और तभी इतना घमंड होने के बावजूद, इतना एटीट्यूड होने के बावजूद, ये इंसान उसका पूरा फोकस आपके ऊपर रख रहा है, वो आपकी तरफ देखे जा रहा है, उसको देखना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, उसको देखना है आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, हर चीज़ उसको जाननी है, हर चीज़ इसको देखनी है। ये लगातार आपके ऊपर नज़र रखता है, ऑनलाइन बहुत नज़र रखता है, ऑफलाइन बहुत नज़र रखता है, तो इसको जानना है वो, मतलब आपके जीवन में क्या चल रहा है इसको जाने बिना इसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, रात दिन ये आपके ऊपर नज़र रखता है। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है गाइस।
डेथ, चाहे जितना भी घमंड हो इस इंसान के अंदर, एक न्यू बिगिनिंग तो इंसान आपके साथ करना चाहता है, क्योंकि ये आपका प्यार इस इंसान को बेचैन करता है। आपके जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन इस इंसान को खींच कर लेकर आएगा आपकी तरफ। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, एरीज राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, और चाहे जितना भी घमंड हो, चाहे जितना जो भी हो, इस इंसान को पता है कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, और ये आपका प्यार ही है जो इस इंसान को आपसे प्यार करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया है। तो अब देखो इस इंसान का क्या हाल है, इसका घमंड इसको पीछे रोक रहा है, और इसका प्यार बोलता है, इसके दिल में जो जज्बात है, जो प्यार है आपके लिए, वो बोलता है कि एक नई शुरुआत कर, और उसका घमंड बोलता है कि नहीं नहीं मैं क्यों जाऊंगा उसकी तरफ, मैं क्यों बात करूंगा, मैं क्यों कॉल करूंगा। ऐसी वाली हालत आपके पार्टनर को मुझे दिखाई दे रही है कि उसका दिल कहता है जा शुरुआत कर, नहीं बात कर उससे, उसका दिमाग कहता है नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो राजा हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं जाऊँगा। ऐसी वाली हालत इस इंसान के मुझे दिखाई दे रही है, वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसका दिल कहता है कि आपसे बात करनी है। तो ये है नंबर दो जिन्होंने भी चुना था आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, अब हम देखते हैं कि नंबर थ्री जिन्होंने भी चुना है आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। नंबर थ्री जिन्होंने भी चुना है आपके पर्सन, किसी किसी के लिए टीचर हो सकते हो, आपके पार्टनर टीचर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा आप इस इंसान को गाइड करते थे हमेशा। देखो यहाँ पर जो एनर्जी है, देखो या तो ये इंसान बहुत गुस्सा कर रहा है, या तो इस इंसान को आपके गुस्से से बहुत डर लग रहा है। गाइस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, या आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर चिढ़ते जा रहे हो, कोई ऐसी बात इस इंसान ने कर दी कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, और इस इंसान को आपके गुस्से के बारे में सोचकर ही डर लग रहा है। हो सकता है कि इस इंसान को आपसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल रही है आपके पर्सन की। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एनर्जी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल रही है, लेकिन हो सकता है कि आप देखो डेफिनेटली यही तो है, इस इंसान ने कुछ झूठ बोला है आपसे, इस इंसान ने कुछ ऐसी बातें छुपाई है आपसे, और अब ये इंसान डरता है आपसे बात करने से। राशि यहाँ पर लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी स्ट्रांग है गाइस, ये इंसान इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहता है। इस इंसान के मन में इस वक्त ये ख्याल है कि उनको जल्द से जल्द सच्चाई के साथ वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। आप ही उनकी क्वीन हो, आप ही उनके किंग हो, और वो आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। इस इंसान का जो फोकस है पूरा आपके ऊपर है, शरीर से चाहे जहाँ कहीं भी हो, ये दिल से आपके पास है, इसका पूरा फोकस आपके ऊपर है। ये इंसान आपसे दूर नहीं जा सकता, ये इंसान आपसे अलग नहीं हो सकता, और अभी इस वक्त भी इस इंसान के दिमाग में, इस इंसान के दिल में यही थॉट्स चल रहे हैं कि वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात है जो इस इंसान को लगता है कि आप गुस्सा करोगे, आप नाराज़ हो जाओगे, आप इनकी बातों को नहीं मानोगे, ये बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। गाइस राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकती है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको जॉब लगी हो, या आपके पार्टनर को जॉब लगी हो, या जॉब को ढूंढ रहे हो, या कुछ फाइनेंस को लेकर ये कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। गाइस इस रिश्ते में हो सकता है कि आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, और ये आपके जो पार्टनर है वो एक ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं कि वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने आज तक आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, अगर इस इंसान ने कभी भी आपके साइड से बात नहीं की, अगर इनके घर वाले विरोध कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए आपके लिए अपने घर वालों से लड़ने के लिए तैयार है। अगर ऐसा है सिचुएशन आप दोनों के बीच में, तो खुश हो जाओ, क्योंकि आपका पार्टनर अब आपके लिए लड़ना चाहता है, चाहे समाज से लड़ना हो, चाहे घर वालों से लड़ना हो, चाहे आपके घर वालों से लड़ना हो। तो इस इंसान को डर आपसे लग रहा है,
क्योंकि इसने धोखा आपके साथ किया है, कुछ झूठ आपके साथ बोला, इसको डर आपसे है। राशि है एरीज लियो सजिटरियस, ओके। और क्या है, अभी भी पूरा फोकस आपके ऊपर है। अट्रैक्शन, क्या बात है, छिपकली छिपकली आई है यहाँ पर। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कोई छिपकली भी है जो इस इंसान के कान भरती है, या आप दोनों के बीच की बातें सुनती है वो छिपकली। ये छिपकली तो आती रहती है आए दिन रीडिंग में, छिपकली तो आना ही आना है छिपकली को, ओके। यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, और हो सकता है कि इस इंसान का जो जिद्दी स्वभाव है या आपका जो जिद्दी, कुछ ऐसी एनर्जी है कि या तो आप बहुत जिद्दी हो या तो आपका पार्टनर बहुत जिद्दी है, आप दोनों में से कोई एक बहुत जिद्दी है, और जो जिद्दीपन में आकर अड़ियल जैसे काम कर रहा है वो बात इस रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। आपके पार्टनर खुद लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते में, उनको अट्रैक्शन बहुत होता है आपसे, वो आपकी खूबसूरती को देखे जा रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, दूर से आपको देखे जा रहे हैं, आपको पाने की चाहत में मे भी आपके बहुत खूबसूरत फोटोज़ देख रहे हैं, और जितने ज़्यादा वो आपके खूबसूरत फोटोज़ देख रहे हैं उतनी ज़्यादा उनके मन में चाहत है आपको पाने की, वो आपको जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है कि इंसान तड़प रहा है आपके लिए, आपको पाने के लिए तड़प रहा है, एक नई शुरुआत करने के लिए तड़प रहा है, आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, और दूर से ही आपको देखे जा रहा है, ठीक है। राशि एरीज लियो सजिटरियस है यहाँ पर, और देखते हैं। और यहाँ पर देखो, किंग और क्वीन, ये दोनों की दोनों जोड़ी आ गई, अब क्या रहा बाकी देखो। मुझे तो यहाँ पर बहुत लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों भी बहुत जिद्दी हो, और आपका दोनों का जिद्दीपन इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। कोई एक हो सकता है कि कोई भी किसी की बात नहीं सुनता है, जितना इंसान ये जिद्दी है आप भी उतने जिद्दी हो, या इस इंसान को गुस्सा आता है आप भी गुस्सा करते हो, और हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अट्रैक्शन की वजह से जुड़ा है। हो सकता है कि आप जब दोनों पहली बार एक दूसरे को देखा तो आप दोनों बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशंस तो बाद में जागे, अट्रैक्शन पहले जागा। तो हो सकता है यहाँ पर बहुत ऐसी जोड़ियाँ हो कि आप दोनों का रिश्ता जब बना तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा था, इसलिए ये रिश्ता बना, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ वांड्स, ये दोनों जोड़ी का आना ये दिखा रहा है कि आप दोनों जैसे परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, ना ये इंसान कम है आपके सामने, ना आप इस इंसान के सामने कम हो, एक इक्वल, आप दोनों की जोड़ी जैसे कि एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, मेड फॉर इच अदर, ठीक है, दोनों जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। और जैसे कि इस इंसान के दिल में भी एक जुनून है आपको पाने का, और जैसे कि आपके भी दिल में एक जुनून है इस इंसान को पाने का, दोनों भी एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, कोई किसी से कम नहीं है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके पर्सन विश है उनके, उनकी इच्छा है आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना, उनकी इच्छा है आपको पाना, आपको हासिल करना, और इसलिए वो एक स्ट्रांग ऑफर भी आपको देना चाहते हैं। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी वजह है कि इस इंसान को मे बी ऐसा डर लगता है, मतलब बहुत दूर की भी सोचते हैं आपके पर्सन। कभी कभी इस इंसान को डर भी लगता है कि क्या वो सपने जो देख रहा है, क्या वो उन सपनों को रियलिटी बना सकता है। मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी बात भी हो कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये वजह हो सकती है कि जिसके बाद आपकी शादी के लिए कुछ रुकावट आ सकती है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो वो सपने देख रहा है, क्या वो सपने पूरे भी होंगे। वो सपना देखता ना, आप दोनों की शादी हो जाएगी, आप दोनों परफेक्ट मैच हो, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में, प्यार भी है, तो उनको लगता है ये जोड़ी परफेक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं दूर की भी सोच रहे हैं कि क्या ये सपना सच्चाई बन सकता है, क्या ये सपना हकीकत में उतर सकता है। कुछ ऐसे भी डर भी इस इंसान के मन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से आपको कोई ऑफर मिलेगा, बहुत जल्द एक स्ट्रांग ऑफर वो आपको देना चाहते हैं। वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इच्छा पूर्ति चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आप दोनों, हो सकता है आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आए, जब भी आए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए।
या अगर आप दोनों के बीच में कोई फासले तैयार हुए हैं तो वो उन फासलों को मिटाना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पर्सन की राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि एरिस लियो सैजिटस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, एरिस लियो सैजिटस हो सकते हैं, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।